हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स स्प्राउट पुलाव। तो चलिए हम बता देते हैं हमें किन चीजों की जरूरत है। हमने ये राजमा लिया था, दो किस्म का राजमा है, चौली है, दो किस्म की चौली है। हमने इसको पानी में ओवरनाइट सोक करके रखा है। अब ये अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। सब मिला करके हमने 250 ग्राम लिया था। इसको सोक होने के बाद ये देखिए डबल हो गई है। हाफ केजी बासमती राइस लिया हमने, इसको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखना है जो हमने रख लिया है। और आपके पास जो भी नॉर्मल राइस है उसे भी आप ये बना सकते हैं। वन लार्ज साइज टोमेटो, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 to 4 पिंच एसोफाइटेडा हींग। ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं हमने, जिसमें बे लीफ, सिनेमन स्टिक, स्टार अनीस, शाही जीरा लिया है हमने यहाँ पर, ब्लैक क्यूमन सीड्स, क्लोव लिए हैं 2 to 3 लॉन्ग, और हमने ब्लैक पेपरकॉर्न लिया है 4 to 5, काली मिर्च, 4 टेबलस्पून देसी घी, 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया हमने यहाँ पे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ले सकते हैं। सम मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स, हरी धनिया और पुदीना, 4 to 5 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च। इसे कुकर में बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे कुकर में। देसी घी डाल देंगे जो लिया था हमने। ऑयल को, घी को गर्म होने देंगे। फिर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डाल देंगे हम। प्याज फ्राई हो रही उसी वक्त हम गरम मसाले डाल देंगे खड़े, और हरी मिर्च डाल देंगे। इस तरह से हमने उसको कट कर लिया, बीच से लंबी लंबी रखी है हरी मिर्च हमने। प्याज को फ्राई करके बताते हैं हम आपको। ये देखिए हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर से भून लेंगे। एक मिनट तक हमें भूनना है अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालने के बाद। एक मिनट हो गया है। अब हम इसमें मसाले सारे जो थे डाल देंगे। हींग, हींग कभी भी ऑयल में फ्राई मत किया करिए। ऊपर से डालने में इसकी तासीर अच्छी रहती है। अगर आप ऑयल में फ्राई कर देंगे हींग, तो हींग जल जाती है, तो इतना इफेक्ट नहीं होता है उसका। हो सके तो आप हींग बाद में डाला करिए। थोड़ा सा नमक हम अभी डाल देते हैं, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। अब देखिए खड़े गरम मसाले हमने डाले हैं, तो हमने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि गरम मसाले हमने डाले खड़े, और बच्चों के हिसाब से हम बना रहे हैं।
आपको तो बताया था पहले भी हमने कि हस्बैंड को भी तीखा पसंद नहीं है, बच्चों को भी नहीं पसंद है, बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं तीखा। तो अगर गरम मसाला पाउडर हम अलग से डाल भी देंगे तो ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। मिर्च भी हमने वो हिसाब से डाली है, क्योंकि अगर मिर्च कम कर देते हम तो आपको उसका अंदाजा मिलता नहीं था, इसीलिए हमने मिर्च अपने हिसाब से ही डाली है जितनी इसमें जरूरत है। फिर भी अगर आपको अगर लगे कि गरम मसाला पाउडर डालना चाहिए, तीखा और डालना चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाला हमने अच्छे से ही डाला है, खड़ा गरम मसाला। अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब ये भून चुका है। स्प्राउट डाल देंगे इसके अंदर हम। स्प्राउट डालकर हम इसे 5 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के लिए हमें हल्के से पानी की जरूरत है, बस थोड़ा सा पानी डालें, अभी ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसको 5 मिनट तक हमें भूनना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसके अंदर। ये देखिए 5 मिनट हो गया है भूनते भूनते, इसको जितनी जरूरत थी भूनने की उतना भून चुका है। अब हम राइस डाल देंगे। चला लेंगे अच्छी तरह से इसको। अब हमने जितना राइस लिया था उतना ही हम पानी डालेंगे, जितना आप राइस लें उतना ही पानी डालें, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। बचा हुआ सॉल्ट जो था वो भी डाल देंगे, और यहाँ पे पुदीना और हरी धनिया को हमने कट कर लिया है मिक्स करके, उसको भी डाल देंगे। हम गैस के फ्लेम को हम फिलहाल के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, प्रेशर आने तक हमारे कुकर में। प्रेशर आने के बाद फ्लेम को स्लो करके हम 5 मिनट तक पकाएंगे। टोटल 5 से 7 मिनट में, 2 से 3 मिनट में प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद हमें और 5 मिनट इसको रखना है फ्लेम को स्लो करके। अब हम प्रेशर आने के बाद आपको बताएंगे। देखिए 1 सीटी हो गई है, प्रेशर भी आ गया है, हम इसको गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, 5 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, अब प्रेशर निकल जाएगा कुकर में से, तब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स स्प्राउट पुलाव बन करके रेडी है। देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगने वाला है, आप सब इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आप इसे जरूर ट्राई करिए। ऐसी चीजें बनाया करिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये फायदेमंद है। सो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।